Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today with me you are going to know about the recently conducted MCQ paper for Lucknow University Modern Literature, Fiction and Prose Semester 6. This is the playlist of the same subject जहाँ पर आपको इस topic के इस subject के लगभग सभी chapters detail में मिल जाएंगे. And a great thanks to everyone who contributed for giving me all these questions. And the first question, when was Fasting Feasting published? A novel by Anita Desai first got published in 1999. Published year se related bahut question the. Second question bhi dekhiye, Mistress of Spices ke published year se related hai. ये नॉवल भी बहुत पुराना नहीं है, 1997 का नॉवल है, विच इज सेट इन ओकलैंड कैलिफोर्निया बाय चित्रा बेनर्जी दिवाकरुणी. सेम क्वेश्चन अबाउट अ पैसेज टू इंडिया. पैसेज टू इंडिया वी नो गॉट पब्लिश्ड इन 1924 एंड शोज द 1920s लाइफ ऑफ इंडियन पीपल हु वर कॉलोनाइज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हु रोट द सन ऑल्सो राइजेस. The 1926 novel by American writer Ernest Hemingway. Old Man and the Sea. You have to tell the name of the titular character. Titular character is Santiago. And Old Man and the Sea, a novella. ध्यान दीजिएगा, novel नहीं, novella है, by American writer Ernest Hemingway, which got published in 1951. And you can say this was actually the last major work of this writer. What was the name of the apprentice boy in Old Man and the Sea? His name is Manolin. A boy in his adolescence age most probably, although it has not been mentioned, and very devoted attendant of Santiago. Next question, who was Joe DiMaggio in Old Man and the Sea? He was a celebrity जिसको सेंटियागो फॉलो किया करते थे और ये प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर थे. मे बी आपको नेक्स्ट टाइम एग्जाम में या लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो डिमैगियो कौन सा स्पोर्ट खेला करते थे, तो आपका आंसर होना चाहिए उस वक्त बेसबॉल. ये सभी क्वेश्चंस जो हम अभी कर रहे हैं कवर, ये सभी आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में भी बहुत काम आएंगे. अब बढ़ते हैं द डार्क होल्ड नो टेरर की तरफ. सरिता जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं, उनका प्रोफेशन क्या था? वेरी हार्ट टचिंग एंड रियलिस्टिक नॉवेल बाय शशि देशपांडे विच शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ द सोसाइटी, अ मास्टरपीस. एंड सरू और सरिता, शी वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. अपने आने वाले लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी आप इन्हीं वीडियो से प्रिपरेशन कर सकते हैं. वही प्लेलिस्ट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो सारे टॉपिक्स पढ़िए, सारे राइटर्स के बारे में पढ़िए, सारे राइटर्स का बर्थ ईयर, डेथ ईयर, कौन सा उनका नॉवल कब पब्लिश हुआ था, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको. देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अनिता देसाईज बर्थ ईयर. अनिता देसाई जिनका ओरिजिनल नाम था अनिता मजूमदार, and she was born 24th June 1937. Then there was a question about Sri Aurobindo's birth year. Sri Aurobindo paida hue the usi din jis din India ko azadi mili thi, lekin bahut saal pehle. 1872 he was born on the same day when India got independence, 15th August. Very popular Indian philosopher, yogi, maharishi and Indian nationalist, along with of course being a writer. Name of Nehru's autobiography. Its name was Toward Freedom, जो कि उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी, जबकि वो June 1934 से लेकर February 1935 तक जेल में रहे थे. ये क्वेश्चन भी आया था आपको एग्जाम में, ये भी मैं आपको बता दूंगी, जून एंड फेब्रुअरी, ये आपको याद रखना है. इस तरीके के बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको किसी भी टेक्स्ट में से एज ए क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी भी यूनिवर्सिटी के इंटरनल एग्जाम्स के लिए भी और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी. हाउ लॉन्ग वॉज नेहरू इन नैनी जेल, ये तो अभी अभी हमने डिस्कस किया. 1934 जून एंड फेब्रुअरी 1935,
नैनी सेंट्रल प्रिजन और नैनी जेल एट नैनी कहाँ पर है ये लोकेटेड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रयागराज। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिजन्स एंड यू कैन से रेमेडियल और करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस इन उत्तर प्रदेश बिल्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। ब्रिटिशर्स ने ही इस जेल को बनवाया था 1934 में, जवाहरलाल नेहरू को इस जेल में शिफ्ट किया गया था बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देहरादून और यहीं पर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी और टुवर्ड फ्रीडम 1936 में उनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई थी एंड ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल। तो कोई भी डिटेल आपको नेहरू के बारे में और नेहरू के यहाँ पर उनके जेल के इन टर्म के बारे में आ सकती है, कब से कब तक जेल में रहे थे और कहाँ से शिफ्ट किया गया था, उनकी ऑटोबायोग्राफी कब पब्लिश हुई थी, इसका दूसरा नाम क्या था और नेहरू के बारे में कोई भी और क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में आ सकता है। I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe to channel and provide your valuable feedback in the form of comments.